वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गैस पर रखा है और 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। यहाँ हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने चॉपर से बारीक किया है। अगर चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस की मदद से भी इन्हें अच्छे से बारीक कर सकते हैं या मिक्सी में भी पीस सकते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को दरदरा सा पीस लिया है और अब हम इसमें डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें एकदम बेसिक से मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक डालेंगे। सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में थोड़ी देर तक भून लेना है। आप देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भुने गए हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं और मिक्सी में पीस लिया है और इसे भी अब हम मसाले में डाल देंगे। टमाटर को मसाले के साथ अब अच्छे से पकने देंगे। इसी समय अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, जिससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है और सब्ज़ी भी फ्लेवरफुल बनती है। हमने आलू को उबालकर छील लिया है। यहाँ पर हमने मीडियम से थोड़े छोटे 10 से 12 आलू लिए हैं। आप इससे भी छोटे आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अब हम मसाले में डालेंगे और अच्छे से मसाले से कोट करेंगे। आलू को हमें मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है, जिससे मसाला आलू के अंदर तक जाएगा। थोड़ी देर मसाले में पकने के बाद 1/2 ग्लास गर्म पानी डालेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम पानी को आलू और मसाले में अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सब्जी को जितना अच्छे से मसाले में पकाएंगे, उतनी हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप भी इस तरह से सब्जी ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार होती है। सभी बहुत इसे पसंद से खाएंगे। मसाले में आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब हम और इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, जिससे ग्रेवी बने। सब्जी को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो और 1 ग्लास पानी आप इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से अब हम हरा धनिया डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ही देख सकते हैं, सब्ज़ी बहुत मस्त दिख रही है और स्वाद में तो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। सभी मसाले सब्जी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो इस तरह से हमारी लाजवाब दम आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, वो भी एकदम बेसिक से मसाले के साथ। ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी बनी हुई है। दम आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनी हुई है। आप भी इसे इसी तरह से एक बार ज़रूर ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये सब्जी खाकर आपके परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बार बार यही सब्जी बनाने के लिए कहेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी और चावल के साथ। आप इसे पूरी, पराठा, जीरा राइस के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।